ओम शांति। आज 7 जून 2021 मीठी मम्मा की तपस्वी जीवन से अभी अभी आवाज़ में आना और अभी अभी आवाज़ से परे हो जाना। जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है, वैसे यह भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा मालिक है। रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज़ से परे नहीं होना है, मन से भी आवाज़ में आने के संकल्प से परे होना है। ऐसे नहीं मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो। आवाज़ से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज़ से परे शांति के सागर में समा जाएं। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। 1 रूहानियत, 2 स्वमान और 3 बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा।